हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट नंबर 4 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना लास्ट टॉपिक दैट इज हजार्ड्स। इससे पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे हुए हैं यूनिट नंबर 4 में, तो उसको आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, अब इसी में देखिए हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है हजार्ड। तो हजार्ड्स क्या होते हैं? हजार्ड्स हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और AKTU में 10 मार्क्स का श्योर शॉट टॉपिक है जो इस चैप्टर से आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि हजार्ड्स पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने इस लेंथ वीडियो की छोटी सी रखी है, ठीक है, छोटी ही रहेगी और जिसमें हम हजार्ड्स को पूरा कवर करेंगे A to Z। और अगर आप इतना सारा कंटेंट जो है वो लिख के आते हैं तो ये कहीं ना कहीं सफिशिएंट रहेगा जितना आपको हजार्ड्स एक्सप्लेन करने के लिए अगर आता है तब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हजार्ड्स के बारे में। हजार्ड्स आर द अनवांटेड स्विचिंग ट्रांजिएंट्स। ठीक है, जो भी हमारे अनवांटेड स्विचिंग ट्रांजिएंट्स आते हैं दैट अपीयर एट द आउटपुट ऑफ अ सर्किट बिकॉज द डिफरेंट पाथ एग्जिबिटिंग डिफरेंट प्रोपोगेशन डिले। तो अगर मैं सिंपल बात करूँ तो हजार्ड्स क्या होते हैं? हमारे अनवांटेड स्विचिंग ट्रांजिएंट्स। अभी मैं आपको ये इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अभी हिंदी में जब हम समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, हजार्ड्स क्या होते हैं? हमारे अनवांटेड स्विचिंग ट्रांजिएंट होती हैं, पहली चीज। दूसरा, हजार्ड्स हमारे क्यों कॉज होते हैं? क्योंकि डिफरेंट पाथ के डिफरेंट प्रोपोगेशन डिले होते हैं। तो एक तरीके से हजार्ड्स आर मेनली कॉज टू द प्रोपोगेशन डिले इन द सर्किट्स। ठीक है, जितने भी प्रोपोगेशन डिले होते हैं उनकी वजह से ये कॉज होते हैं और हजार्ड्स जो है वो हमारे अनवांटेड स्विचिंग ट्रांजिएंट्स होते हैं। अब अनवांटेड स्विचिंग ट्रांजिएंट्स का मतलब हुआ कि अगर वो 1 में चल रहा है, अगर किसी का आउटपुट 1 आ रहा है तो वो मोमेंटरली 0 पे चला गया, दैट इज नोन एज अ मोमेंटरी फॉल्स वैल्यूज फॉर द 1 आउटपुट। ठीक है, 1 आउटपुट के लिए मोमेंटरी फॉल्स वैल्यू क्या चली गई? 0। तो दैट इज द हजार्ड, वो हजार्ड हो गया। मतलब 1 में चल रही थी आउटपुट लेकिन वो एकदम से 0 में चला गया फिर 1 में आया। सच टाइप ऑफ थिंग्स, ये सच टाइप ऑफ जो स्विचिंग ट्रांजिएंट्स है उन्होंने क्या कहा? हजार्ड्स कह दिया। अनवांटेड स्विचिंग ट्रांजिएंट, मैं चाह रहा था कि आउटपुट मेरा कांस्टेंट रहे बट वो नहीं रहा, बीच में मेरा 0 पर पहुंच गया, दैट इज अनवांटेड स्विचिंग ट्रांजिएंट। ठीक है, या हम कह सकते हैं मोमेंटरी फॉल्स वैल्यू पर चला गया, दैट इज हजार्ड्स। ठीक है, तो आपको हजार्ड समझ में आ गया होगा। अब एक सर्किट है जिसका आउटपुट 0 आ रहा है लेकिन मोमेंटरी 1 पर चला गया, दैट इज स्टैटिक 0 हजार्ड। ठीक है, स्टैटिक 1 हजार्ड मतलब 1 पे चल रहा था तो वो 0 में चला गया, दैट इज हजार्ड। ठीक है, या अगेन एंड अगेन फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे कि 0 पे है 1 पे चला गया, 1 है तो 0 चला गया, 0 1 1 0 1 0, इस तरीके से चल रहा है। तो दैट इज द टाइप ऑफ डायनेमिक हजार्ड। और इसी में एक इसके टाइप आते हैं एसेंशियल हजार्ड। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया जो मैंने इस पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी को हम पढ़ेंगे। तो हजार्ड इन द कॉम्बिनेशन सर्किट्स, हजार्ड में कॉज अ टेंपरेरी फॉल्स आउटपुट। ठीक है, हजार्ड कॉम्बिनेशन सर्किट में कुछ टेम्प्रेरी फॉल्स आउटपुट को कॉज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हजार्ड्स कॉम्बिनेशन सर्किट्स में एक टेम्प्रेरी फॉल्स आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। इन एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स, हजार्ड्स में रिजल्ट इन अ ट्रांजिशन टू अ रॉन्ग स्टेबल स्टेट, जो हम अभी एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स देख रहे थे। लेकिन अब आपने देखा इन दोनों पॉइंट्स में मैंने इसका जिक्र नहीं करा जहाँ पे सीक्वेंशियल सर्किट्स विद सिंक्रोनस है। तो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में हजार्ड हमारे प्रॉब्लम नहीं होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू चेक फॉर द पॉसिबल हजार्ड्स एंड डिटरमाइन इफ दे कॉज एन इंप्रॉपर ऑपरेशन। तो इसलिए ये हमारे लिए जरूरी होता है कि हम सर्किट को चेक करें कि वो जो है हमारा कोई भी हजार्ड है तो उसे हम एलिमिनेट करें, अदरवाइज वो क्या करेगा, हमारी जो सर्किट है उसका इंप्रॉपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, रॉन्ग स्टेबल स्टेट में ले जाएगा और एक टेम्प्रेरी फॉल्स आउटपुट दे देगा इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट। इन केस ऑफ एसिंक्रोनस सर्किट वो हमारा रॉन्ग स्टेबल स्टेट में एंटर करा देगा। सो इफ सो देन सर्टेन स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू एलिमिनेट हजार्ड। अब ये हो गया हजार्ड के बारे में थ्योरी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हजार्ड, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ हजार्ड। तो पहला है टाइप्स ऑफ हजार्ड। टाइप्स ऑफ हजार्ड में सबसे पहला हजार्ड है हमारा स्टैटिक 1 हजार्ड। देखिए, स्टैटिक 1 हजार्ड क्या होता है? इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इनपुट एंड फॉर सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, अगर कोई हमारा चेंज इन इनपुट है एंड फॉर द सम कॉम्बिनेशन प्रोपोगेशन डिले एक लॉजिक सर्किट में गो टू 0। मतलब मैंने क्या कहा, 1 पे चल रहा था वो 0 में चला गया, व्हेन इट शुड रिमेन कांस्टेंट 1, जब उसे 1 पे रहना चाहिए था लेकिन वो किस में चला गया, लॉजिक सर्किट में गो टू 0। दिस ट्रांजिएंट, ये इस टाइप का ट्रांजिशन हुआ, ये ट्रांजिशन होगा, उसे हमने क्या बोल दिया, स्टैटिक 1 हजार्ड, इज कॉल्ड स्टैटिक 1 हजार्ड। सिमिलरली स्टैटिक 0 में क्या मतलब हुआ कि अगर मेरी 0 में चल रही है तो वो 1 में आ गया। इसका भी मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, अभी सभी थ्योरी समझते हैं। स्टैटिक 0 में क्या हो रहा है? स्टैटिक 0 में हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इनपुट एंड फॉर सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोगेशन डिले अ लॉजिक सर्किट में गो टू 1। स्टैटिक 0 का मतलब है 0 में चल रहा था लेकिन एकदम से मोमेंटरी 1 पे चला गया, मोमेंटरी फॉल्स वैल्यू उसकी 1 हो गई। ठीक है, व्हेन इट शुड रिमेन कांस्टेंट एट 0, दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड स्टैटिक 0 हजार्ड। क्लियर है? अब डायनेमिक हजार्ड की बात करें तो डायनेमिक हजार्ड क्या है हमारा? व्हेन द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट इज चेंज फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0। मैंने आपको बताया 0 से 1 में जा रहा है, 1 से 0 में जा रहा है, इस टाइप के हजार्ड को हमने बोलते हैं डायनेमिक हजार्ड। ठीक है, दिस टू आउटपुट में चेंज मोर नंबर ऑफ टाइम्स एंड दिस ट्रांजिएंट इज कॉल्ड द डायनेमिक हजार्ड। अब अगर आप इसकी फिगर देखें तो देखिए, ये मैंने फिगर भी बना रखी है कि स्टैटिक 1 में क्या हो रहा है, एक हमारा 1 में चल रहा था आउटपुट लेकिन वो 1 से एकदम से 0 में आ गया, एक से कुछ मोमेंटरी चेंज हुआ, ये कुछ मोमेंटरी फॉल्स वैल्यू उसने प्रोड्यूस करी, दैट इज 0 फॉर द 1 आउटपुट। तो दैट इज स्टैटिक 1 हजार्ड। सिमिलरली स्टैटिक 0 में वो 0 में चल रहा था बट वो एकदम से ट्रांजिशन हुआ हमारा ऊपर की तरफ, दैट इज 1 की तरफ, और मोमेंटरी चेंज हमें देखने के लिए मिला, तो हमारा अभी स्टैटिक 0 हजार्ड। क्लियर है? नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, सारी यूनिट्स के मैंने जो सेकंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमने सब कोशिश करी है कि नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दें, तो वहाँ से देख लीजिएगा। सी पार्ट है हमारा इसमें डायनेमिक हजार्ड। तो डायनेमिक हजार्ड क्या था हमारा, जिसमें 0 1 0 1 में फ्लक्चुएट हो रहा है, देखो 0 1 0 1, इस तरीके से हमारा फ्लक्चुएशन चल रहा है। क्लियर हो गया? ये हो गया टाइप्स ऑफ हजार्ड में। 3 हजार्ड, एक और हजार्ड आता है इसमें एसेंशियल हजार्ड, उसे देखते हैं।
अब देखिए एसेंशियल हजार्ड, तो ये हो गया हमारा फोर टाइप ऑफ हजार्ड। अब अदर देन द स्टैटिक एंड डायनेमिक हजार्ड, ध्यान रखिएगा जो भी हमारे स्टैटिक और डायनेमिक हजार्ड होते हैं और जो एसिंक्रोनस सिंक्रोनस सर्किट्स में हमारे पास एसेंशियल हजार्ड भी होते हैं, मतलब स्टैटिक और डायनेमिक ही नहीं होते हैं, ठीक है। हमारे पास स्टैटिक क्या थे, जो स्टैटिक जीरो स्टैटिक वन, और डायनेमिक जो अभी मैंने बताया जीरो वन जीरो वन वाला, ठीक है। तो इसके अलावा जो एसिंक्रोनस सिंक्रोनस सर्किट है वो हमारे एसेंशियल हजार्ड को भी पजेस करती हैं। अभी एसेंशियल हजार्ड क्या होते हैं, इनको मैं ऊपर से एक बार बता दे रहा हूँ। एसेंशियल हजार्ड वो होते हैं जो प्रोपगेशन डिले की वजह से हो रहे हैं, एक तरीके से ऐसे मान के चलिए कि जो मेरे हजार्ड थे वो प्रोपगेशन डिले की वजह से हो रहे हैं, बट ये जो है इन्हें मैं करेक्ट नहीं कर सकता हूँ बाय इंक्लूडिंग एनी, जो है अभी हम आगे देखेंगे कि बाकी को मैंने करेक्ट कैसे करा है। अभी हम देखेंगे कि हजार्ड को मैंने करेक्ट कैसे करा है। तो हजार्ड को करेक्ट करने के लिए अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। रिडंडेंट टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, रिडंडेंट टर्म के मैप में रिडंडेंट टर्म को अगर हम इंक्लूड करा दें तो हमारा जो है हजार्ड करेक्ट हो जाता है। बट एसेंशियल हजार्ड ऐसे नहीं होते हैं। एसेंशियल हजार्ड में हमें जो है दो पाथ के अलाउंग डिफरेंट डिलेज देखने के लिए मिलता है, तो उसमें दोनों पाथ के अलाउंग मुझे डिले को इक्वल रखना पड़ता है, ठीक है, तभी हमारा जो है वो सही हो सकता है, अदरवाइज सही नहीं हो सकता है। उसका कोई भी साइंटिफिक जो है तरीका नहीं है, ठीक है, उसको आपको पाथ के प्रोपगेशन डिले को ही इक्वल रखना पड़ेगा। तो यही मैं लिखा है, एसेंशियल हजार्ड कॉज बाय द अनइक्वल डिले अलोंग द टू और मोर पाथ दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इनपुट एन एक्सेसिव डिले थ्रू एन इन्वर्टर सर्किट, ठीक है, इन्वर्टर सर्किट लगी होगी तभी होगा, ठीक है। अभी इन्वर्टर सर्किट मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे डायग्राम्स, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। इन कंपैरिजन टू एन द डिले एसोसिएटेड विद द फीडबैक पाथ में कॉज सच हजार्ड, ठीक है, इसलिए जो है हमारा फीडबैक पाथ से जो है एक हजार्ड इस तरीके से कॉज कर सकता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं करेक्शन के ऊपर। करेक्शन कैसे करेंगे एसेंशियल हजार्ड का, तो मैंने आपको बताया एसेंशियल हजार्ड एक ऐसा हजार्ड है जो किसी भी रिडंडेंट टर्म इन के मैप से नहीं होगा सॉल्व, वो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, अनइक्वल डिले जो सर्किट में है उन्हें हमें इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है, एसेंशियल हजार्ड कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एडिंग द रिडंडेंट गेट्स एज इन द स्टैटिक हजार्ड, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, तो आप पहले जब पढ़ेंगे तो हजार्ड इन कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़िएगा जो इसकी आप बात का टॉपिक है, उसके बाद आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट बाय एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ डिले इन द अफेक्टेड गेट्स, ठीक है, हमें अफेक्टेड पाथ में जो है अमाउंट ऑफ डिले को एडजस्ट करना पड़ेगा। टू अवॉइड द एसेंशियल हजार्ड ईच फीडबैक लूप मस्ट बी हैंडल्ड विद केयर, हमें हर फीडबैक लूप को एक से ध्यान से हमें रखना है, ठीक है, उसको ऐसा ना हो कि उसका ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट हो जाए दूसरे पाथ से, ठीक है। टू एंश्योर द डिले इन द फीडबैक पाथ इज लॉन्ग इनफ कंपेयर्ड विद द डिले ऑफ द अदर सिग्नल दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल, मतलब हमें कहीं ना कहीं डिले को इक्वल ही रखना है, वही मैंने इस थ्योरी में लिख दिया है। दिस प्रॉब्लम टेंड्स टू बी स्पेशलाइज एज डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर सर्किट यूज्ड एंड द साइज ऑफ द डिले दैट आर एनकाउंटर्ड इन इट्स वेरियस पाथ। तो सिंपल अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो एसेंशियल हजार्ड को सर्फेस तभी एलिमिनेट कर सकता है जो हमारे पास अनइक्वल डिले को हम इक्वल डिले में कन्वर्ट कर दें इन द सर्किट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसेंशियल हजार्ड। तो मैंने चार हजार्ड डिस्कस करे टाइप्स ऑफ हजार्ड में, पहला हमने हजार्ड डिस्कस करा, दूसरा हमने टाइप्स ऑफ हजार्ड डिस्कस करा, अब हम आएंगे हजार्ड्स इन कॉम्बिनेशन सर्किट, ठीक है। हजार्ड्स इन कॉम्बिनेशन देखेंगे, और कॉम्बिनेशन का किस में देखेंगे, सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट में मैंने भी आपको पीछे बताया था कि सिक्वेंशियल सर्किट्स में जब मैं हजार्ड्स के टॉपिक को पढ़ रहे थे जिसमें हम दो पॉइंट्स लिखे हुए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि हजार्ड्स सिक्वेंशियल सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स में प्रॉब्लम नहीं होते हैं, बट प्रॉब्लम किस में होते हैं, एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स में। तो पहले तो हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन को, फिर जाएंगे सिक्वेंशियल पे। तो हजार्ड्स इन कॉम्बिनेशन सर्किट के लिए अगर हम कोई भी एक सर्किट को कंसीडर कर लें, मान लीजिए अगर हमने यही सर्किट जो है वो कंसीडर कर ली जिसमें हमारे पास 1, 2, 3 गेट्स हैं, x1, x2, x3 में इनपुट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका y का इनपुट क्या आ जाएगा, x1, x2 आ जाएगा, और इधर से x3 के लिए इसमें क्या आ जाएगा, और दूसरा टर्म x2 बार x3 आ गया, ठीक है। तो y इक्वल्स टू x1 x2 + x2 बार x3 आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब कंसीडर कर लीजिए कि जब x1 है, x2 है, x3 है, अब x1 है, x2 है, x3 है, तो y की वैल्यू 1 आएगी, कैसे, देखिए 1 और 1 का एंड का इनपुट 1 आ जाएगा। इधर देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, मैंने 1 दी है, तो 1 का ये नॉट कितना हो जाएगा, 0, तो ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, 0.1 0, तो ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो 1 + 0 = 1, ठीक है। तो y का आउटपुट कितना आ गया, 1 आ गया, क्लियर है। आगे अब अगर मैं x1 को 1 ले लूँ और x2 को 0 ले लूँ और x3 की वैल्यू को 1 ले लूँ, तो यहाँ पे y 0 आएगा, ये कैसे आएगा ये समझिए अब, ठीक है। तो x1 और x2 में मैंने मान लिया कि दोनों में इनपुट कैसा है, 1 है और उसमें 0 है, तो x1 और x2 से यहाँ पे आउटपुट क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट क्या जाएगा, 0, क्योंकि ये 1 है और ये 0 है, ठीक है, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो इन्वर्टर गेट है, मैंने आपको बताया था जितने भी इन्वर्टर गेट्स लगे होंगे वही हमारा अनइक्वल डिले को कॉज करेंगे, तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि जो डिले है जो हमारा इन्वर्टर गेट है वो हमारा एक डिले जो है उसके साथ एसोसिएटेड है, जो क्या कर रहा है कि इस वाली ये जो हमारे x2 को 0 दिया तो वो इसको 1 नहीं बना पाया, और 1 नहीं बना पाया तो मतलब क्या हुआ कि आगे वाले पाथ में हमारा 1 जो है वो कैरी हो गया, मतलब ये जो है मतलब ये x2 है वो 0 से 1 नहीं बन पाया, टिम्पली जो है हमारा 0 कैरी हो गया, ठीक है, 0 जो है वो आगे बढ़ गया, मतलब x2 में जब मैंने 0 दिया तो वो 0 इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से क्या होना चाहिए था, 1, बट वो 1 नहीं हुआ क्योंकि इसमें डिले ज़्यादा हो गया, तो हमारा क्या हुआ, इधर हमारा 0 ही प्रोपगेट होता चला गया। तो सेकंड वाले गेट में पहला इनपुट 0 हो गया और x3 की वैल्यू मैंने क्या दिया, 1 दी है, x3 की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, तो 1.0 अगेन 0, तो 0 ऊपर भी है 0 नीचे भी है, 0 + 0 = 0, जो हमारा y का इनपुट कितना आउटपुट कितना आ गया, 0, तो वी गेट अ स्टैटिक 1000, क्योंकि y की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, अब वो किस में चली गई, 0 में चली गई, सो वी गेट अ स्टैटिक 1000। अब इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, करेक्ट कैसे करेंगे, ये तो हमने समझा दिया कॉम्बिनेशन सर्किट में किस तरीके से हजार्ड ओरिजिनेट होता है, क्लियर है। अब समझते हैं इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे।
तो हजार्ड्स कैन बी रिमूव्ड बाय इंक्लूडिंग द रिडंडेंट पेयर, वही मैंने बोला विच इज सीन फ्रॉम अ के मैप, ठीक है। हम एक रिडंडेंट पेयर को इंक्लूड करते हैं, रिमूव मतलब हजार्ड्स कैन बी रिमूव्ड, हम कैसे करते हैं, हम एक रिडंडेंट पेयर को उस के मैप में इंक्लूड करते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको इसका के मैप बनाने का के मैप बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री के बीच में थ्री वेरिएबल का के मैप बनेगा, क्लियर है। अब देखिए जब आप के मैप बनाएंगे तो उसमें आप एक्स वन एक्स टू को प्लॉट करेंगे, तो एक्स वन एक्स टू हमारा ये हो जाएगा एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू से हमारी ये वाली वैल्यू हो जाएगी एक्स वन एक्स टू वन वन, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा एक्स टू बार एक्स थ्री, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास एक्स टू बार एक्स थ्री था, तो एक्स टू बार एक्स थ्री को हम प्लॉट कर लेंगे। मैंने आपको प्लॉट करना बताया हुआ है पिछले वाले वीडियो के रेफरेंस में, और ये तो पता है ना कि थ्री वेरिएबल के मैप इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये तो बेसिक नॉलेज मैं मान के चल रहा हूँ, इतना तो आपको पता है क्योंकि आप यूनिट नंबर फोर पे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ी हुई है। सो अ हजार्ड कैन बी रिमूव बाय इंक्लूजिंग द टू मिन टर्म्स इन द इक्वेशन, ठीक है। तो हम हजार्ड को कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय इंक्लूजिंग द टू मिन टर्म्स इन द इक्वेशन, या हम बोले सीधे सीधे रिडंडेंट पेयर, ठीक है, विद अदर प्रोडक्ट टर्म दैट ओवरलैप्स बोथ ग्रुप्स, ठीक है। द सर्किट फॉर रिजल्टिंग इक्वेशन रिजल्ट इन द हजार्ड फ्री सर्किट, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, हमारे एक हजार्ड फ्री सर्किट बनेगी बाय इंक्लूडिंग द रिडंडेंट ग्रुप, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि ये वन और ये वन हमारे दो पेयर से इंक्लूड हो गए थे, अब मुझे कोई और पेयर की जरूरत तब थी नहीं, तो इसमें रिडंडेंट पेयर देखो जो हमने पेयर को इंक्लूड हटा दिया था। अब रिडंडेंट पेयर क्या होते हैं या रिडंडेंट क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसके लिए आपको के मैप वाला वीडियो देखना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता कि रिडंडेंट पेयर क्या होते हैं। ऐसे पेयर की जिनमें सारे हमारे वन कवर हो गए, अब हमें कोई भी दूसरा पेयर बनाने की जरूरत नहीं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं उसको रिडंडेंट कहते हैं। अदरवाइज थोड़ा और रेफरेंस लेने के लिए आप इसको देख सकते हैं के मैप वाला वीडियो हमारा यूनिट नंबर फोर में ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, यूनिट नंबर फोर में जाकर देख सकते हैं। के मैप का बिल्कुल 30 मिनट्स का वो इसी लिए डेडिकेटेड वीडियो है कि के मैप कैसे बनता है और के मैप में रिडंडेंसी क्या होती है, वो हम वहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। अदरवाइज सिंपली अगर हम समझें तो जब सारे वन कवर हो जाएं और एक और पेयर से हमारे कुछ वंस कवर हो रहे हों तो उन्हें हम रिडंडेंसी कह सकते हैं, रिडंडेंट पेयर कह सकते हैं। तो देखिए रिडंडेंट पेयर बन गया, अब इसमें हम इंक्लूड करा देंगे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे के मैप एक्सप्रेशन, इसके लिए इधर से कॉमन क्या है वन दैट इज़ एक्स वन, और ऊपर से क्या कॉमन है जीरो 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 वन में चेंज हो रहा है, लेकिन ये वाला वन ये वाले वन में कॉमन है, तो वन वन क्या हो गया एक्स थ्री, तो हमने एक्स वन एक्स थ्री लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया रिडंडेंट टर्म को इंक्लूड करा दिया, क्लियर है। अब देखिए एक मैंने सर्किट भी बना दी है कि ये किस तरीके से एलिमिनेट कर रहा है वो समझते हैं। अब देखिए ये गेट वन है, ये गेट टू है, ये गेट थ्री है और ये गेट फोर है। अब देखिए समझिएगा किस तरीके से हम करेंगे। तो जो मैंने एक्स वन एक्स थ्री बनाया, तो मैंने एक्स वन एक्स टू का वैसी डायग्राम बनाया, एक्स टू बार एक्स थ्री का वैसी डायग्राम बना दिया, एक मैंने एक्स्ट्रा जो पेयर ऐड करा था उसका डायग्राम बना दिया एक्स वन और ये एक्स थ्री, क्लियर है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, देखिए पहले के इनपुट में मैंने क्या कहा था, जब एक्स वन को वन लूंगा, एक्स टू को जीरो लूंगा और एक्स थ्री को वन लूंगा, तो हमारा आ रहा था, तो देखिए फिर से देखते हैं, एक्स वन जीरो है, x1 वन है, x2 जीरो है, तो हमारा वन का आउटपुट जीरो हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैंने बोला था कि x2 में प्रोपगेशन डिले मान लीजिए कि वो है, ठीक है, ज़्यादा है, तो हमारा ये जीरो जो है वो वन नहीं कन्वर्ट हो पाया, तो हमारा जो है वो जीरो ही रहा, तो इधर जीरो है, x3 में वन है, तो 0.1 जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। अब देखिए इधर x1 में मैंने क्या लिया है वन, x3 में क्या लिया है वन, तो वन आ गया। अब वन से वन डॉट वन प्लस जीरो प्लस जीरो कितना आ जाएगा, फोर्थ के गेट पर आउटपुट वन आ जाएगा, और ये क्या दिखा रहा है कि हमारा जो हजार्ड है वो एलिमिनेट हो गया, अब वो वन जो है वो जीरो पे नहीं जा रहा था, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्स टू का प्रोपगेशन डिले ज़्यादा है, क्लियर है। तो हमारा क्या हो रहा है, वन से वन में ही रह रहा है, मतलब कोई भी हजार्ड नहीं आया, हजार्ड स्टैटिक जीरो हजार्ड जो है वो हमारा नहीं कॉज हुआ इस केस में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हजार्ड जो है कॉम्बिनेशन सर्किट में रिमूव हो गया बाय इंक्लूडिंग द रिडंडेंट पेयर, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वी हैव हजार्ड्स इन सीक्वेंशियल सर्किट्स। नाउ हजार्ड इन सीक्वेंशियल सर्किट्स को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा इन सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स और एसिंक्रोनस में, क्लियर है। तो इन द सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स विद द कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन हजार्ड आर ऑफ नो कंसर्न, ठीक है। अगर हम कॉम्बिनेशन सर्किट से डिजाइन कर रहे हैं सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को, तो हजार्ड जो है वो हमारे कोई भी कंसर्न के नहीं होते, उन्हें नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वो जो है मोमेंट्री एरेनियस सिग्नल जो है वो हमारा ट्रबलसम नहीं रहता है। अगर कोई भी मोमेंट्री एरेनियस सिग्नल आ रहा है तो वो हमारा ट्रबलसम नहीं होगा, या वो जो है हमें दिक्कत नहीं करेगा उस पर्टिकुलर सर्किट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। अब बात करते हैं इन द एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, अगर फॉल्स आउटपुट हमारा फीडबैक हो जाता है तो सर्किट जो है हमारा रॉन्ग स्टेबल स्टेट में हो जाएगा, जो मैंने पहले भी लिखा हुआ था। तो अब इसके लिए हम इस सर्किट को कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3। इसमें हमने एक्स वन दिया, एक्स टू से हमारा इनपुट गया, ये एक्स टू का बार हमने सेकंड गेट पर दिया, और ये हमारा वाई से जो आउटपुट आया वो हमने इधर फीड करा, तो इसको मैं स्मॉल वाई बोल सकता हूँ, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा फीडबैक हो गया। अब वाई इक्वल टू, अब इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू और जैसे एक्स टू बार वाई, क्लियर है। अब इसका हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, तो ट्रांजिशन टेबल जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, वाई एक्स वन एक्स टू के बीच में बनेगा, तो वाई एक्स वन एक्स टू के बीच में बना दिया। अब ये देखो टेबल कैसे बनेगा, तो ये इसके लिए अब एक्स वन एक्स टू जहाँ जहाँ पे वन है, तो एक्स वन एक्स टू कहाँ कहाँ पे वन है, वन वन, तो वहाँ पे वन वन कर दो। एक्स टू बार वाई एक्स टू बार वाई, ठीक है, मतलब एक्स टू कहाँ पे जीरो है और वाई वन है, ठीक है। तो एक्स टू जीरो कहाँ पे है, एक्स टू जीरो यहाँ पे है और एक एक्स टू जीरो यहाँ पे है और वाई वन के यहाँ पे है, इन दोनों में है, ये पूरी रो में, तो वन और वन हमने इधर लिख दिया, क्लियर है। बाकी जगह जीरो कर दिया, सर्कल कर दिया उनको जो स्टेबल स्टेट से, क्लियर है। इसमें जीरो हो गई और इसमें वन के करस्पॉन्डिंग वन वन हो गई, क्लियर है। ये हमारा हो गया ट्रांजिशन टेबल। इसी से आउटपुट मैप भी मैंने बना दिया, कुछ नहीं आउटपुट मैप भी मैंने डायरेक्टली जो है इसी से बना दिया, वन वन और ये वन वन, ठीक है, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें जब आप इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा पेयर है और एक हमारा ये पेयर है, इसमें भी हम क्या करेंगे रिडंडेंट पेयर को इस्तेमाल करेंगे, तो रिडंडेंट पेयर के लिए कौन सा पेयर हो जाएगा, ये वाला पेयर जो है रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी इसके इसके लिए लिख देंगे, तो कैसे लिखेंगे, वाई और इन दोनों में क्या कॉमन है ऊपर वाले में, वन वन दैट इज एक्स वन, तो प्लस एक्स वन वाई आ जाएगा, क्लियर है।
अब इसके आगे वाली थ्योरी पर बढ़ने से पहले मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि इस सर्किट में हजार्ड कैसे कॉज हुआ। तो मान लीजिए x1 x2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू भी 1 है, तो हमें इसका मतलब ये कैपिटल y 1 रहा होगा, तभी तो हमने स्मॉल y को 1 लिया। ठीक है, आप देखते हैं तो 1 1 1, तो जब हमने 1 1 1 लिया तो x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए x2 की वैल्यू 1। अब x2 की वैल्यू जब 1 है तो मैंने मान लिया कि ये हमारा प्रोपगेशन डिले नहीं है, तो 1 आ गया, तो इधर कॉम्प्लीमेंट होकर 0 आ जाएगा, तो इधर 0 है इधर 1 है, तो ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, और ऊपर कितना आ जाएगा क्योंकि x2 की वैल्यू मैंने 1 ली है, तो ये हमारा 1.1 दैट इज 1, तो 1 + 1 इक्वल 3 की गेट का आउटपुट कितना गया 1, मतलब कैपिटल y जो है वो स्मॉल y के बराबर है। कब? ये तब है हमारा बराबर जो हमने कहा कि हमारा स्मॉल y को जो हमने 1 लिया और कैपिटल y हमारा अपने आप ही बना गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, जो मैंने x2 को 0 ले लिया, अब x2 को 0 ले लिया तो अब इसको जो मैंने मान लिया इन्वर्टर का गेट का डिले जो है ज़्यादा है, तो ये हमारा जब 0 है तो ये 0 है, तो इस पे हमारा 1 नहीं बन पाएगा, इस पे हमारा 0 ही रहेगा, तो इधर 0 है, y की वैल्यू मैंने 1 ही मान रखी है, तो 0.1 0, और ऊपर भी देखिए x2 ये 0 है और ये 1 है, तो 1.00, तो 0 + 0 कितना हो गया 0, मतलब कैपिटल y कितना आ गया 0 आ गया, मतलब कैपिटल y 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन हो गया, और जबकि हमने स्मॉल y कितना लिया हुआ है 1 लिया हुआ है, मतलब अपोजिट आ रहा है, मतलब क्या हुआ, कैपिटल y नॉट इक्वल्स टू y, तो एक रॉन्ग स्टेबल स्टेट में एंटर चला गया। ठीक है, रॉन्ग स्टेबल स्टेट में उसकी एंट्री हो गई। ठीक है, या हम बोल सकते हैं अनस्टेबल स्टेट। अब इसी को हमने थ्योरी से लिख रखा है, जो ट्रांजिशन टेबल से हम समझेंगे। अब इसी चीज़ को अगर हम देखें इस ट्रांजिशन टेबल से, तो ट्रांजिशन टेबल में देखिए कैसे हो रहा है कि अगर मैंने मान लिया वन जो है वाई मेरा वन, मतलब मैंने मान लिया वाई वन एक्स वन एक्स टू क्या माना था, पहले बार में वन वन माना था, तो वन 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 माना था। ठीक है, और तो हमारा क्या रहा था, एक ये स्टेबल स्टेट में वन में है। ठीक है, बट अगर मैंने देखा था कि एक्स टू को जीरो कर दिया, तो एक्स टू को जैसे ही मैंने जीरो ले लिया तो एक्स टू की वैल्यू जीरो दैट इज जीरो वाली, तो इसमें देखो दो स्टेबल स्टेट हैं, जीरो और वन, तो उसे नहीं पता कि कौन सी स्टेबल स्टेट में जाना है, और बार बार अगर वो ट्रांजिशन करेगा तो कभी जीरो में रहेगा, कभी वन में, फिर जीरो, फिर वन, तो इस तरीके से अनस्टेबल ट्रांजिशन रहेंगी। तो इस टाइप के फंक्शन को हमें हटाने के लिए जो है हमने इसमें भी रिडंडेंट पेयर का कंसेप्ट यूज़ करा, जो हमारा इस तरीके से इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही मैंने थ्योरी अगले पेज पे लिख दी है, आपको समझा दे रहा हूँ। नाउ इफ द सर्किट इज इन द टोटल स्टेबल स्टेट वाई एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू 111 एंड एक्स टू चेंजेस फ्रॉम 1 to 0, द नेक्स्ट स्टेबल स्टेट शुड बी 110, हाउएवर बिकॉज ऑफ द हजार्ड आउटपुट मे गो टू द 0 मोमेंटली, एंड इफ दिस फॉल्स सिग्नल फीडबैक टू द गेट द आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर गोज टू 1। वही मैंने आपको जो समझाया वही मैंने इधर लिख दिया है, तो ये मैनुफैक्चरिंग को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा गेट ऑफ द सर्किट दैट इज इंक्लूडिंग द रिडंडेंट पेयर। ठीक है, तो हमारा वाई क्या आ जाएगा, एक्स वन एक्स टू आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स टू बार वाई, क्लियर है, और ये हो जाएगा हमारा एक्स वन वाई। ठीक है, इस तरीके से हमने उसको इंक्लूड कर दिया और लास्ट में इसका लॉजिक डायग्राम बना दिया, लॉजिक डायग्राम सब में बना के आना जैसे मेरे पिछले उसमें भी बनाया था, और ये हमारा एलिमिनेट कर दिया उसने हजार्ड को। अगला है, इसी चीज़ को हम इंप्लीमेंट करते हैं विद एसआर लैच, तो अनदर वे ऑफ टू वर्ड द स्टैटिक हजार्ड इन द एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट इज टू इंप्लीमेंट द सर्किट विद एसआर लैचेस, अ मोमेंटरी वन सिग्नल अप्लाई टू द एस और आर इनपुट ऑफ अ नैंड लैच विल हैव नो इफेक्ट, एंड सिमिलरली अगर मैं मोमेंटरी जीरो सिग्नल के एसआर इनपुट्स के नॉर लैच पे लगाऊंगा तो उस पर भी कोई जो है मेरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक अगर इसको मैं एग्जांपल से समझूंगा तो एक नैंड एसआर लैच को कंसीडर कर लेना है फॉर द बूलियन वैल्यू फंक्शन, या आपने एस और आर के बूलियन फंक्शन मान लिए। नाउ इट इज अ नैंड लैच, अगर आता है पेपर में तो आप इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन विद एसआर लैच के इतना थ्योरी पार्ट और ये लिख देंगे तो इट इज सफिशिएंट। ठीक है, नाउ इट इज अ नैंड लैच, अभी नैंड लैच है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज को जो है वो हमें इनपुट देना पड़ेगा, तो इनपुट दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस सी डी बार कर देंगे और सिमिलरली ए बार सी का भी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि हमने इसको कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट्स दिए हैं, लेकिन बहुत डीप में इसको नहीं जानना है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी हम ऊपर से इसको देख रहे हैं क्योंकि सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो हम सिंपली जो है ऊपर से एक आइडिया ले रहे हैं कि इसमें किस तरीके से हमारा जो है ये हजार्ड एलिमिनेट होगा एस और आर लैच के लिए। ठीक है, तो एस और आर में हमने क्या करा, कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट लगा दी क्योंकि हमारी कैसी लैच है, नैंड एसआर लैच है, क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या करा है, मैंने वही करा है कि इधर मैंने एस इंप्लीमेंट कर दिया, इधर मैंने आर इंप्लीमेंट, या इधर देखिए इधर मैंने एस इंप्लीमेंट करा, इधर मैंने आर इंप्लीमेंट करा, क्या ए बी का बार, ठीक है, और ये सी डी, तो सी डी और डी ले लिया, ठीक है, सी और डी का बार ले लिया और इसको मैंने सी और एस में मैंने एक एंड गेट के थ्रू मुझे एस का इनपुट मिल गया, ये मैंने नैंड गेट से आगे इंप्लीमेंट कर दिया है, और इसी तरीके से मैंने आर में भी कर दिया। बट यहाँ पे एक हजार्ड आ जाएगा, हजार्ड क्या रहेगा कि अगर इसकी वैल्यू हमारी जो है वही है कि मैंने क्या बताया था इसमें थर्ड गेट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो कब कर रहे थे हम, तो यहाँ पे हमारा देखो ये तीन गेट पहले ही लगे हुए हैं तो हमें जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली ये जो आउटपुट हमें आ रहा है, ये जो हमें आउटपुट इधर से मिल रहा है उसे हम डायरेक्टली फीडबैक कर देंगे इस वाले गेट में, तो अगर हमारा एक भी इनपुट हमारा जीरो हुआ, मतलब हाई हुआ, तो हमारा सब जो है हाई जाएगा। अगर ये पूरी सर्किट जीरो हो गई और ये भी जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो दे देगा आंसर, ठीक है, तो वो सही नहीं रहेगा, इसलिए हम अगर इधर वन कर देंगे, ठीक है, मतलब इसको अलग अलग इनपुट्स देंगे, ठीक है, ये इस एंड गेट को रिमूव कर देंगे तो हमें जो आउटपुट उस तरीके से जो है सही मिल जाएगा, माल फंक्शन जो है हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो बस वही मैंने सर्किट बना दी कि डायरेक्टली इसका फीडबैक कर दिया हमने आउटपुट, या फेड कर दिया आउटपुट जो है डायरेक्टली हमने नैंड लैच में। ठीक है, नाउ दिस इज द लैच इंप्लीमेंटेशन फिगर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ इफ द आउटपुट क्यू इक्वल टू 1 देन क्यू बार इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्यू के अगर मन है तो क्यू बार क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, एंड इफ द टू ऑफ द थ्री इनपुट्स गो मेंटली टू 1 द नैंड गेट एसोसिएटेड विद आउटपुट क्यू विल रिमेन एट 1 बिकॉज क्यू बार इज मेंटेन एट 0। ठीक है, वही मैंने आपको कहा कि अगर एक भी इनपुट जो है हमारा मोमेंटरी 1 के लिए जा रहा है, मोमेंटरी 0 वैल्यू के लिए जा रहा है, तो उस केस में जो है हमारा जो थर्ड जो होगा जो आउटपुट क्यू है वो हमारा 1 पे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि क्यू बार जो है वो मेंटेन है हमारा 0 पर, क्लियर है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ आया हो हजार्ड वाला। इसके अलावा इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।